कांग्रेस की 20 सूत्री की बैठक शुक्रवार को धनबाद परिसदन में संपन्न हुई। 20 सूत्री के उपाध्यक्ष बृजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 20 दिन पहले 20 सूत्री घोषणा हुई, इसलिए औपचारिक बैठक आवश्यक थी। आज सभी लोग बैठक में उपस्थित हुए। साथ ही आवश्यक है कि हर महीने प्रखंड स्तर पर बैठक हो, उपायुक्त स्तर पर हर 2 महीने में जिले में बैठक हो, ताकि विकास कार्यों की समीक्षा हो पाए। उपायुक्त से आग्रह होगा कि वो बैठक बुलाएं, ताकि प्रभारी 20 सूत्री मंत्री को भी बुलाए जाएं। जनता दाखिल खारिज के लिए दौड़ रही है, पर सीओ 3-3 महीने फाइल को दबाकर बैठे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 20 सूत्री कार्यान्वयन कमेटी की घोषणा आज से लगभग 20 दिन पहले हो गया है, और धनबाद के साथ साथ और अन्य जिलों में भी घोषणा की गई है। धनबाद में भी घोषणा हुए लगभग 20 दिन हो गया है, लेकिन जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि पदाधिकारियों की ओर से किसी तरह की कोई बैठक का आयोजन नहीं किया गया और न ही कोई सूचना भी मिला है। हम चूंकि जिला में उपाध्यक्ष हैं 20 सूत्री का, तो मैंने एक औपचारिक बैठक अपने सदस्यों के साथ आज कर रहा हूं, लेकिन हम साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि हर प्रखंड में महीना में एक बार सभी प्रखंड पदाधिकारी को मीटिंग करनी होगी, और जिला में उपायुक्त महोदय को 2 महीना में एक बार मीटिंग करने का प्रावधान है, क्योंकि जो भी कार्य होगा सरकार का, ये महागठबंधन की सरकार है, और महागठबंधन ने जो वादा किया है और उसको हमको धरातल पे उतारना है। अगर 20 सूत्री की मीटिंग नहीं होगी, कैसे अमलीजामा पहनाया जाएगा? जो हम वादा किए हैं, हमारे नेता जो वादा किए हैं, कैसे वो धरातल पर उतरेगा? इसलिए हम उपायुक्त महोदय से भी आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम 2 महीने में एक बार आपको मीटिंग बुलाना है, और अभी वर्तमान में एक बार आप मीटिंग बुलाएं, हम प्रयास करेंगे कि उसमें हमारे जो 20 सूत्री के प्रभारी मंत्री हैं श्री बन्ना गुप्ता जी, उनको भी मैं उस मीटिंग में बुलाने का प्रयास करूंगा, और संभवतः वो उपस्थित रहेंगे। इसलिए हम ये भी चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अभी जो हर ब्लॉक में राजस्व के काम में बहुत बहुत धीमा समय सीमा निर्धारण किया जाएगा। कोई भी म्यूटेशन का काम हो, दाखिल खारिज का काम हो, उसको समय देना होगा। आशा नहीं देखना है, जनता करा रही है। जनता 3-3 महीना से दाखिल खारिज के लिए दिए हुए है, और सीओ साहब फाइल को बंद करके रखा पड़ा रहता है। ऐसा नहीं चलेगा, उनको 15 दिन के अंदर कर्मचारी से रिपोर्ट लेकर के उनको दाखिल खारिज पे आदेश पारित करना होगा। इसलिए हर विभाग में उसी तरह से